बुलंदशहर प्रशासन ने कुख्यात अपराधी जयकरण उर्फ जयका के दो मकानों को किया कुर्क। लूट और डकैती की वारदातों को अंजाम देकर जयका ने बनाई थी लाखों रुपए की अवैध संपत्ति। आज डीएम के आदेश पर सीओ शिकारपुर वरुण कुमार सिंह ने गांव जमालपुर में जयका के दोनों मकानों को कुर्क कर लिया। जयका पर लूट और डकैती के दर्जन भर मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक जयका भय का पर्याय बन चुका था। गांव में मुनादी कराकर जब्त किए गए जयका के दोनों मकान। शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के जमालपुर गाँव का मामला। सुनो सुनो सुनो, आज दिनांक 30 मई 2023 को अभियुक्त जय कुमार जयका, जो कि ग्राम जमालपुर थाना शिकारपुर का रहने वाला है, जो कि एक शातिर किस्म का लुटेरा और डकैत है, जिसके विरुद्ध करीब दर्जनों से अधिक मुकदमे डकैती लूट आदि के पंजीकृत हैं, उसके द्वारा अपनी आपराधिक गतिविधियों से अर्जित अवैध धन के आधार पर ग्राम जमालपुर में दो मकान का निर्माण किया गया था, जिसको आज आदरणीय जिलाधिकारी महोदय बुलंदशहर के आदेश के अनुपालन में 14A गैंगस्टर एक्ट अधिनियम के अंतर्गत सरकार के पक्ष में कुर्क किया जा रहा है। उक्त दोनों मकानों की कुल कीमत लगभग 48 लाख रुपए है। सर, आज एक संपत्ति को कुर्क किया गया है, क्या है पूरा मामला, किस तरह की संपत्ति थी ये देखिए। थाना शिकारपुर द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। थाना शिकारपुर के ग्राम जमालपुर का रहने वाला एक अभियुक्त, जिसका नाम जय कुमार उर्फ जयका है, जिसके विरुद्ध दर्जनों से अधिक मुकदमे हत्या लूट डकैती आदि के दर्ज हैं, उसके द्वारा अपने आपराधिक गतिविधियों से अर्जित अवैध धन से ग्राम जमालपुर में दो मकान का निर्माण किया गया था, जिसकी कुल कीमत लगभग 48 लाख रुपए है। आज जिलाधिकारी महोदय बुलंदशहर के आदेश के अनुपालन में उक्त दोनों ही मकानों को 14A गैंगस्टर एक्ट के तहत सरकार के पक्ष में कुर्क किया जा रहा है। अच्छा, गांव के लोगों से किस तरह की अपील की है सर, जिस तरह से जो कुर्क की हुई संपत्ति से छेड़छाड़ ना करें। गांव के लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप लोग भी किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त न रहें, अन्यथा आपके द्वारा भी अपनी आपराधिक गतिविधियों से जो भी अर्जित अवैध धन है, उससे जो भी क्रियाकलाप किए जाएंगे, उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई अनवरत जारी रहेगी।